सभी की आंखें बंद हैं, ध्यान उपस्थित है, उपवास तू है। जब ध्यान है तो अज्ञान दूर है, जब ध्यान नहीं है तब मान्यताओं का अज्ञान है, विवेक बेसहारा है, बुद्धि मन के वश में है, शरीर इंद्रियों के वश में, उस अवस्था को देख लिया है तो अब ध्यान अवस्था में देखें, इंद्रियां वश में हैं, बुद्धि विवेक के वश में है, मन अमन है, विचार कम हो रहे हैं, ज्ञान का प्रकाश बढ़ रहा है। नया जीवन कैसा हो सकता है वह ध्यान में आपको दिखाई दे। जहां आप मुक्त होकर भी दुनिया में जी सकते हैं वो सब दिखाई दे, उसके पहले मन के पानी को स्थिर करो। सेल्फ का साक्षात्कार जिस पानी में होता है वह पानी स्थिर हो।
श्वास पर ध्यान लगाकर कुछ क्षण इस जल को स्थिर करो। एक मिनट में 7 से लेकर 10 श्वासें लेनी हैं, इसलिए धीरे धीरे श्वास भरेंगे और धीरे धीरे ही छोड़ेंगे। बीच में कुछ सहज रुकावट स्थिरता आती है उसे भी जानकर मन के जल को शुद्ध करो, निर्मल करो, स्थिर करो।
शरीर शांत है, सीधा है, मन शांत है, स्थिर है। मन मैनेजर है, बैंक मैनेजर है, यादों का बैंक, उसे छुट्टी देनी है। इस वक्त केवल वर्तमान है, मन अपने थिएटर में साक्षी बने, जो स्क्रीन पर चल रहा है अंधेरा है तो अंधेरे का साक्षी, मंद प्रकाश है तो मंद प्रकाश का साक्षी। कुछ विचित्र चित्र बन रहे हैं तो उन चित्रों का साक्षी। बेमतलब कुछ विचार या कल्पनाएं हैं तो उसका साक्षी। आप निश्चिंत हैं क्योंकि ज्ञान का प्रकाश है, जिस प्रकाश में अंधेरा भी दिखाई देता है वह तेज प्रकाश है। जाना जा रहा है जिस प्रकाश में, वही प्रकाश, तेज प्रकाश और थिएटर में कुछ भी नहीं चल रहा है उसके भी साक्षी बने।
इच्छा को जगते हुए भी देखें, जो कहेगी कुछ नहीं आ रहा है, क्या कुछ सोचना है, उसे ज्ञान के प्रकाश में देख लें। इस इच्छा का भी दर्शन कर लिया,
श्वास को देख लिया, चित्रों को देख लिया, इच्छाओं को देख लिया, शरीर में उत्पन्न सारे एहसासों को देख लिया, दर्द सर्द जो भी माहौल है, स्पर्श है, उसको भी देख लें। वर्तमान के प्रति पूरे सजग हो जाएं। उपासना में उपस्थित हैं, कुछ आए या जाए ऐसी कोई इच्छा नहीं है। आप कर्ता नहीं हैं, इस ज्ञान में देखा जाएगा जो हो रहा है। मुक्त बैठे हैं, देखा जाएगा जो हो रहा है। मुक्त मगन अकर्ता भाव में कैसी मुक्ति है फील करो।
ये शरीर ही वो दर्पण है जिसमें आप अपना दर्शन करते हैं। इस शरीर में ही मन है, इस मन का जल शांत है तो साक्षात्कार है। इस जल में लकीरें हैं, रिपल्स हैं, लहरें हैं, तो साक्षात्कार झूठा है, टुकड़ों में बटा हुआ है, अधूरा है। पूर्ण साक्षात्कार करना है, स्टेबलाइजेशन की तैयारी है। कंधा झुक जाएगा तो सीधा करने से पहले अवेयर हो जाएंगे कि गर्दन में इस तरह कुछ पीड़ा है, इसे सीधा करने के साथ ये पीड़ा दूर हो जाएगी। लेकिन पहले जान लिया, होश के साथ होना है जो होना है। होश टैग जागृति के लिए है। होश टैग लगाकर ही काम करेंगे, ध्यान करेंगे। फिर से देख लो श्वास को, एक गहरी सांस लेंगे, परिवर्तन महसूस करेंगे, एक दो और सांसें लेकर क्या परिवर्तन होता है सच्चाई में। जानने वाला वैसा ही है, परिवर्तन प्राण ऊर्जा में है, परिवर्तन शरीर में है, परिवर्तन मन में है। मन शांत हो रहा है, वर्तमान में आवाजें हैं, वर्तमान में स्पर्श है, कपड़ों का, मौसम का, कुर्सी का, आसन का, श्वास का। सूक्ष्म से लेकर सूक्ष्मम, सूक्ष्मतम, जान रहे हैं, एकाग्रत हैं। यही शरीर आपका मित्र है, जिसके द्वारा आप स्वयं की पहचान कर रहे हैं।
इंद्रियों को सदा लेने की आदत है। इस आदत से ब्रेक मिलती है ध्यान में। सहजम सहजम कहने के साथ सहजम 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 का रियाज आप भी करें। सहजम 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 कहते ही आप मन को संकेत दे रहे हैं, जो कर रहे हो ध्यान के अलावा वह बंद करो। सहजम 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 सब जप करें। सहजम 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 के साक्षी सहजम 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 खुलकर आवाज धीरे धीरे कम होते जाएगी। मन में चले सहजम सहजम के साथ सब शांत।
क्या चल रहा है इस वक्त? स्वयं से पूछो, क्या चल रहा है अंदर? बिना अच्छा माने, बिना बुरा माने, जो चल रहा है उसके साक्षी रहें, विटनेस। जानने वाला विटनेस है, साक्षीदार।
यही मुक्ति समाधि की ओर ले जाती है, यही मुक्ति गगन अवस्था में पहुंचाती है। ऐसी अवस्था में जिसके तले आप सभी अवस्थाओं को जान रहे हैं, गगन के तले जो है उसके साक्षी रहें, गगन के पार जो है उसकी कन्विक्शन प्राप्त करें, मन का जल स्थिर है, आत्म साक्षात्कार सेल्फ का खुल रहा है, आपका होना शरीर की वजह से पता चलता है, शरीर नहीं होता तो आपको अपना पता नहीं चलता। मनुष्य देह नहीं होती तो इस पते का वर्णन नहीं होता। अपनी पहचान को प्राप्त करें, ध्यान का मकसद केवल तनाव दूर करना नहीं है, केवल एकाग्रता बढ़ाना नहीं है, केवल संकल्प शक्ति बढ़ाना नहीं है, केवल स्वास्थ्य प्राप्त करना नहीं है। ध्यान का मकसद है अपनी पहचान पाना, बाकी सब नहीं हुआ तो भी पहचान मिली तो सब कुछ मिला। इसलिए स्वयं से पूछो, Who am I now? अपनी इस अवस्था में बने रहो, मन अगर चंचल हो उठे
तो उसे फिर से श्वास पर लेकर आओ। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लेकर छोड़ें। अगर मन शांत है तो अपनी पहचान पर अनुभव करके कन्विक्शन प्राप्त करें। क्या वाकई आप शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, आपकी उम्र आपकी नहीं है, वह शरीर की उम्र है। आपका पद आपका नहीं है, वह व्यक्ति का पद है। पर्सनालिटी का पद है, किरदार का रोल है। आप हर रोल से बाहर हो। इस वक्त आप न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न स्त्री न पुरुष हो। न कोई रिश्तेदार हो, आप मुक्त हो, मुक्ति में मगन हो। फील करो मुक्ति।
कुछ क्षणों के बाद आँख खोलने वाले हैं। जब कहा जाएगा आँख खोलेंगे, तुरंत हाथ मलना शुरू नहीं करेंगे। मगनता में बैठे रहेंगे, सच्चाई में बैठे रहेंगे, रियलिटी में बैठे रहेंगे। सेल्फ ही है रियलिटी, रियल टी। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे।